हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा मैं क्या शेयर कर रही हूँ। यस, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जॉय का स्किन फ्रूट ब्राइटनिंग फेस वॉश। हाँ जी, इससे पहले आपको मेरे चैनल पे जॉय के 3 और अलग वेरिएंट के फेस वॉश का रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें से है एक ग्लाइकोलिक एसिड, एक है उक्टन फेस वॉश और एक है एप्पल या मिक्स फ्रूट करके कुछ है जॉय का, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो अगर आप उन जॉय के फेस वॉशेस का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक आपको मेरे आई बटन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जॉय का ये ब्राइटनिंग वाला फेस वॉश। हाँ जी, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो सारी चीज़ें इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में, एज़ यूजुअल जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो पैकेजिंग इस तरह की आपको मिल जाएगी। वैसे ये मैंने छोटू वाला मंगवाया है, आप इसका बड़ा भी ले सकते हो। तो ये इस तरह की आपको पैकेजिंग मिल जाएगी और येलो कलर में। ठीक, यहाँ पे है आपका जॉय स्किन फ्रूट ब्राइटनिंग, पे देख सकते हो आपको लेमन दिखाई दे रहा होगा। ये है फ्रूट इन्फ्यूज्ड फेस वॉश जो कि आपके स्किन को ब्राइट करता है और नेचुरल ग्लो को रिवील करता है। उसके बाद में यहाँ लिखा है एक्टिव फ्रूट बूस्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। 50 ml का ये वाला प्रोडक्ट है, इससे बड़ा 100 या 150 ml का भी प्रोडक्ट आता है तो वो आपको 200 से अबव में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है 67 rupees। तो 67 rupees में आपको 50 ml की क्वांटिटी के साथ में ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको आप आराम से काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो अराउंड 1 month। 1 month में अगर आप 2 times यूज़ करते हो तो पूरा 1 month नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 1 time यूज़ करते हो तो आई थिंक ये 1 month चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है कि ये जो फेस वॉश है, क्योंकि इसमें लेमन ऐड किया गया है तो ये आपके स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ को निकालता है। अगर आपके स्किन पे डेड सेल्स हैं तो उसको रिमूव करके आपके स्किन को फ्रेश न्यू सेल्स जनरेट करता है और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है। ऑल्सो अगर आपको प्री मेच्योर एजिंग हो गई है तो उसको भी सही करता है। आपके स्किन पे एक्ने हैं या फिर बहुत ज़्यादा धूप के कारण या किसी भी वजह से अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो उसके आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है, लाइट करता है और ग्लो प्रोवाइड करता है। क्योंकि लेमन है तो ऑब्वियस सी बात है ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग रहेगी ही, एंड उसके साथ साथ आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म करता है। जब भी आप अगर नॉर्मली लेमन भी अगर स्मेल करते हो ना तो आपको कितनी अच्छी सी फ्रेश वाली फीलिंग आती है, कितना मतलब फ्रेशनेस सा फील होता है। उसी तरह से ये वाला फेस वॉश भी है, जब आप इसको अप्लाई करते हो आपको काफ़ी अच्छा मतलब एक होती है ना भीनी भीनी सी खुशबू के साथ में एक फ्रेशनेस वाला फील, तो इस फेस वॉश के साथ में वही चीज़ फील होती है और ये काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को क्लियर करता है, ब्राइटन अप करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, बहुत सारे से इंग्रेडिएंट, तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप इसको फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फेस वॉश को मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं फेस वॉश का ऐसा कोई रिव्यू आपके साथ में शेयर करती हूँ तो उसमें मोस्टली जो कमेंट्स होते हैं या ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि क्या इस फेस वॉश को बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यस, इस फेस वॉश को बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये बेस्ट फेस वॉश है आपके लिए, क्योंकि लेमन है इसमें तो सारा ऑयल आपके फेस का निकाल देता है, मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली है। लेकिन वहीं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको यूज़ करने से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑयल निकालता है ऑयली फेस वालों का, और अगर ड्राई वाले यूज़ कर लेंगे तो आप सोच ही लो क्या ही होने वाला है। तो ड्राई ऑयली वालों के लिए बेस्ट है, ड्राई वालों बहुत ज़्यादा ड्राई वालों के लिए बेस्ट नहीं है। मेरे जैसी नॉर्मल स्किन है तो हमको तो सबको सूट करता है भाई अपने को सब चलेगा, तो वही है। अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं।
तो साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं मिला है मुझे मेरी स्किन पे, एंड आई होप आपके स्किन पे भी आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज जॉय का जो ब्रांड है ना, मतलब जॉय एक ऐसा ब्रांड है, एक तो ये बहुत पुराना ब्रांड है, इसने बहुत हम लोग ने बहुत टाइम पहले भी यूज़ किया है, और पुराना ब्रांड होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड एकदम ट्रस्टेड ब्रांड है। मतलब प्राइस में लो है बट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर आप चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं जॉय के एक दो और प्रोडक्ट का आपके साथ में रिव्यू शेयर ज़रूर करूँगी, जल्द ही करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड करने का सोच रहे थे तो अभी कन्फ्यूज होंगे तो आप बाय इसको कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप है इस प्रोडक्ट को, और आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको एक बेल बटन मिलेगा उसको ज़रूर हिट कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे एंड आप मेरे चैनल पर जल्दी से आ सको, ठीक है। उसके बाद में सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया, कमेंट भी कर देना अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं तो वहाँ रिप्लाई करती हूँ। तो या मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।